नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडोल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 4 फरवरी 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूंगा। तो इसमें मैंने निफ्टी पे ई कमोडिटीज दिखा हूँ और कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दिखाता हूँ। वो वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद चार्ट का सेटअप, बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और बहुत सारे स्ट्रैटेजीज टेक्निक्स है, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आप लोग को स्टॉक मार्केट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें जो ये जो फाइल है, मैंने पूरा फाइल मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करता हूँ, उसके फ्री ट्रायल में ज्वाइन होने के लिए आप लोग जो उसका लिंक का थ्रू में, जो कि यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, उसके थ्रू में आप लोग ज्वाइन हो सकता है। ये फाइल डाउनलोड कर लेगा, सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी उस उधर मिल जाएगा, वो भी आप लोग को देख सकता है। इसका जो चार्ट किया मैं पुलिस रिवर दिखा रहा है, तो इसमें लगता है और कुछ ये रिट्रेसमेंट होगा। और इधर आप जाने का थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि बहुत सा आप चले जाएगा, लेकिन आप जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। ये अगर एटलीस्ट 11,800 का बाउंड्री क्रॉस हो सकता है, उसके बाद 11,900 के तरफ आ सकता है। और इधर इधर नीचे आएगा तो इसका का सपोर्ट है, इसका सपोर्ट मिलेगा 11,300 में, 11,350 में इसका सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद फिर और भी नीचे आ सकता है, 11,000-10,800 तक आ सकता है। जो अब इन्वेस्टमेंट होकर कुछ कंफ्यूजन है, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट रिवर्सल भी हो, रिवर्सल हो सकता है, धीरे धीरे कुछ जब हो जाएगा और नीचे आएगा तो इसका सपोर्ट इधर मिलेगा, और सपोर्ट इधर मिलेगा 29,300 में। उसके बाद 29,300-255, उसके बाद ये 28,837, उसके बाद ये 27,700-800 तक आ सकता है। और ऊपर जाएगा तो 31,500 तक ऊपर जा सकता है। ऊपर में थोड़ा सा एटलीस्ट कुछ दिन के लिए, मतलब इस एक्सपायरी में रिट्रेस होकर ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। और निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा तो इसका कल का जो पीसीआर रेशियो था, जो 0.42-0.43 हो गया था, उसके हिसाब से आज का पीसीआर रेशियो थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, 0.58 हुआ है। तो मेरा लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। इधर जो इधर 11,800 में इसका रेजिस्टेंस है, कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ऊपर इंटरेस्ट, इधर लॉन्ग बिल्टअप दिखा रहा है, लेकिन इधर भी कल जो लॉन्ग बिल्डअप था, इधर भी शॉर्टिंग पुट शॉर्टिंग होने लगा है। तो पुट शॉर्टिंग होने का मतलब है कि निफ्टी ऊपर जाने का जाने के लिए कोशिश करेगा। और इधर से इधर अभी भी कम गया है, इधर अभी भी बढ़ गया है, तो पुट शॉर्टिंग होने का पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। और बैंक निफ्टी का जो दिखूँगा तो बैंक निफ्टी भी 0.40 के आसपास था, 4243 था, उसके हिसाब से ये 0.62 हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है, पीसीआर रेशियो 1 या 1 के ऊपर जाने का कोशिश करेगा पीसीआर रेशियो, तो ये बैंक निफ्टी दोनों की आप लेके जाने का कोशिश करेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इधर देखिए कॉल साइड में शॉर्टिंग हो रहा है जरूर, लेकिन पुट साइड में भी हैवी शॉर्टिंग हो रहा है। तो इसे जब जितना सारा पुट अनवाइंडिंग होगा, उतना पुट शॉर्टिंग होगा, तो ये दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स को आप जाने का कोशिश करेगा। और इधर प्रोबेबिलिटी को देखूंगा तो प्रोबेबिलिटी जो मेरा कैलकुलेशन है उसका देखूंगा तो इधर देखिए, इधर इस 11,400 का एक्सपायरी का हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया हूँ, तो 11,800 के आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और इधर भी 30,500 के आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्ट मतलब लेवल भी दे देता हूँ, मेरा बाई सेल लेवल का थ्रू में, बाई सेल लेवल का स्क्रीनर का थ्रू में, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, जो आप लोग को लाइव मार्केट में ट्रैक करने का बहुत ही आसान हो जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।